Hello students, in today's lecture we will study the concept of profit and loss and we will solve the sums based on this which are in exercise 8.2. okay, so first of all let us study about the profit and loss. तो सबसे पहले profit कब होता है और कैसे ढूंढा जाता है. तो we can say that profit is equals to selling price माइनस कॉस्ट प्राइस. ओके, एस पी स्टैंड फॉर सेलिंग प्राइस एंड सी पी स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस. ओके, एब्रीविएशन मैं यहां पे लिख ही देता हूं एंड सी पी स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस. ओके, तो ये ऐसा क्यों होता है कि भाई प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है, व्हाई इज इट सो? तो इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है, कंसेप्ट है. सपोज मान लो कि ये जो पेन है तो ये पेन का कॉस्ट है 100 रुपीज, कॉस्ट प्राइस इसका 100 रुपीज है. अब मैं इस पेन को सपोज 110 रुपीज में बेचता हूँ तो आपको तुरंत ही पता चल गया होगा कि मैंने कितना प्रॉफिट गेन किया, 10 रुपये. ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपीज, मैंने 10 रुपये बढ़ा के 110 रुपीज में इसको बेचा. तो सेलिंग प्राइस 110 माइनस कॉस्ट प्राइस 100 करने पे मुझे 10 रुपीज क्या मिला, प्रॉफिट मिला. तो ये है कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट, वी कैन से दैट. देन लॉस, सो वो होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. यानी कि हमेशा हम कह सकते हैं कि जब सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम होगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा, तब हमेशा हमें क्या होगा, लॉस होगा. ठीक है, और जब सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, तब हमेशा हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा. सेम चीज की सपोज ये 100 रुपीज का पेन है, मैं 90 रुपीज में बेचता हूं तो मुझे 10 रुपये क्या होता है, लॉस होता है, क्योंकि मैंने 100 में खरीदा, 90 में बेचा, तो 10 रुपये मेरे ज्यादा गए खरीदने में, यानी कि मेरा लॉस हुआ 10 रुपीज का. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जो 100 था, सेलिंग प्राइस जो 90 था, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो हमें मिला लॉस. ठीक है, तो ये प्रॉफिट और लॉस के हमारे फॉर्मूले हैं. ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस दोनों ढूंढने के लिए हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है. ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा तो ऑफ कोर्स हमें प्रॉफिट होगा, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम तो ऑफ कोर्स हमें क्या होगा, लॉस होगा. ठीक है, दूसरी चीज, जब हम परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस का कंसेप्ट कंसिडर करेंगे तब हमेशा ये कैलकुलेशंस जो होते हैं वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर किए जाते हैं. ठीक है, जैसे कि सपोज मान लो कि ये पेन जो है वो 100 रुपीज का है, मुझे इसके ऊपर 10 रुपीज प्रॉफिट चाहिए. ठीक है, पेन का प्राइस कितना है, 100 रुपीज है, मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए, 10% चाहिए. तो ये 10% मैं इस 100 रुपीज के ऊपर ही क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा कि भाई प्रॉफिट कितना लेना है. तो 10% ऑफ 100 यानी कि 10/100 × 100, तो 10 रुपीज मुझे क्या करना होगा, कॉस्ट प्राइस में बढ़ाना होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 10% प्रॉफिट मिलेगा. तो जो भी प्रॉफिट के कैलकुलेशंस है वो हमेशा किसके ऊपर होंगे, सीपी के ऊपर होंगे. सेम थिंग, जो भी लॉस के कैलकुलेशंस है वो भी किसके ऊपर होंगे, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होंगे. जब भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में डील करना है तब परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस के भी फॉर्मूला होते हैं, लेकिन वो कभी मैं कहता हूं कि लर्न नहीं करने चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट समझने चाहिए. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कैसा भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा हम क्लियर कर पाएंगे या सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, अब इन दोनों के साथ में हम कंसीडर करते हैं डिस्काउंट का और टैक्स का कंसेप्ट. तो वो होगा, हम से कह सकते हैं कि पेबल अमाउंट. अब पेबल अमाउंट, अमाउंट कौन पे करता है, कस्टमर पे करता है. तो जब भी डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट जो है वो सेलिंग प्राइस में से क्या होता है, माइनस होता है. सेलिंग प्राइस माइनस डिस्काउंट, जितना भी जो भी डिस्काउंट हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन सारे हम देखेंगे सम के अंदर. ठीक है, लेकिन वो सेलिंग प्राइस में से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और वो पेएबल अमाउंट बनता है.
जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पेन का सेलिंग प्राइस जो है वो 100 रुपीज है, लेकिन इसके ऊपर 20 रुपये डिस्काउंट है, तो पेएबल अमाउंट मुझे कितना पे करना पड़ेगा ये खरीदने के लिए? 80 रुपीज पे करना पड़ेगा। 100 का इसका सेलिंग प्राइस था, 20 रुपीज डिस्काउंट मिला, 100 में से 20 डिस्काउंट में माइनस कर दूंगा, तो मुझे 80 रुपीज क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा, डेट इज पेएबल अमाउंट। ठीक है, ये मैं मेरे तरीके से बताता हूँ आपको। टैक्स जो होता है वो हमेशा जुड़ता है, सो पेएबल अमाउंट अगेन, सो डेट विल बी सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स। टैक्स चाहे जो भी हो, यानी कि अभी हम फिलहाल अगर हम करंट कंसेप्ट कंसिडर करें तो GST लगता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके अलावा उससे पहले हम कह सकते हैं कि सारे टैक्सेस अलग अलग थे, सर्विस टैक्स अलग था, देन वैट वैल्यू एडेड टैक्स था, तो ये सारे टैक्सेस अलग अलग थे। लेकिन जब भी यहाँ पे हमें जो कंसेप्ट पढ़ना है वो सिर्फ हम कह सकते हैं कि चीज़ों के बाइंग सेलिंग के ऊपर के टैक्स की बात चल रही है, तो उसमें हमारा जो पेएबल अमाउंट होगा वो सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स जितना होगा, जितना भी टैक्स लगता है वो हमें क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। सपोज मान लो कि ये 100 रुपीज़ का पेन है, अगर इसके ऊपर 30 रुपीज़ टैक्स लगता है तो मुझे 100 + 30 यानी कि 130 रुपीज़ क्या करने पड़ेंगे? पे करने पड़ेंगे। टैक्स हमेशा क्या होता है? सेलिंग प्राइस में जुड़ जाता है, यानी कि ऐड होता है। तो इतने कॉन्सेप्ट्स जो है वो आप दिमाग में सेट करके रखना। परसेंटेज के क्या क्या लॉजिक्स कैसे अप्लाई करते हैं वो हम सम्स के बेसिस पे सीखते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लिख लीजिए, ये जो कुछ एब्रिविएशंस, SP स्टैंड फॉर सेलिंग प्राइस एंड CP स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस, ये मैंने लिखी हुई, इतनी चीज़ें आप लिख लीजिए। फिर 8.2 के हम क्वेश्चन 1 से आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड विथ एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 देखो। अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। ये बेसिक परसेंटेज के बेसिस का सम है, मैंने शायद से लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, उसको अपने सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट मिलता है। इफ हिज न्यू सैलरी, मतलब इंक्रीज्ड सैलरी, बढ़ा हुआ सैलरी, न्यू सैलरी मतलब, इज 1,54,000, देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो हमें ओरिजिनल सैलरी ढूंढना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब जब हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू नहीं होगा तब तब हम उसको क्या कर देंगे? 100 अज्यूम कर देंगे। सो Let his original salary be 100 rupees. Original salary हम क्या करते हैं? इसका 100 rupees assume करते हैं। तो इसमें कितना उनको 10% का increment मिलता है? He got 10% increment in salary. So increment in rupees is equals to 10% of 100, यानी कि 10/100 into 100, यानी कि 10 rupees. Okay. तो ये इसका क्या है? Increment है, या इतना increment उनको मिलता है, ठीक है। So, we can say that, therefore, his increased salary. हम क्यों increased salary ढूंढ रहे? क्योंकि question में भी हमें increased salary ही दिया हुआ है,
तो ओरिजिनल सैलरी 100 था, 10 रुपीज का इंक्रीमेंट मिला, तो 110 रुपीज इज हिज इंक्रीज सैलरी। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, इंक्रीज सैलरी एंड ओरिजिनल सैलरी। तो इंक्रीज सैलरी यहां पे है 110, तब ओरिजिनल सैलरी कितना रखा गया 100। तो अगर इंक्रीज सैलरी 1,54,000 है तो ओरिजिनल सैलरी कितना होगा? सो ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल्स टू 1,54,000 इंटू 100 अपॉन दिस। सो 11 वन 11 एंड 4 जा 44, सो 14 एंड 4 जीरोस, यानी कि 1,40,000 रुपीज। ये जो था वो बंदे का क्या था? ओरिजिनल सैलरी था। ओके तो ये हुआ प्रॉब्लम सम वन, लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ सेकेंड वन। On Sunday, 845 people went to the zoo. On Monday, only 169 people went. What is the percentage decrease in the people visiting the zoo on Monday? Sunday, 845 लोगों ने zoo visit किया. Monday, 169 people, मतलब 169 लोगों ने zoo visit किया. तो कितना percentage decrease आया visitors में? ये हमें ढूंढना है. तो देखो, हम यहाँ पे पहले तो नंबर ऑफ पीपल वेंट टू जू ऑन संडे इक्वल्स टू 845। Then number of people went to zoo on Monday 169। ओके तो ये दो चीज हमारे पास है, परसेंटेज डिक्रीज ढूंढना है। तो हम पहले तो नंबर ऑफ डिक्रीज्ड पीपल ढूंढ लें। So, number of people decreased equals to Sunday जितने और Monday जितने दोनों का subtraction 676, इतने क्या हुए? कम हुए। अब हम क्या कर सकते हैं? परसेंटेज प्रपोर्शन ले सकते हैं लॉजिकली। यहां पे हम लेंगे नंबर ऑफ पीपल एंड यहां पे हम लेंगे परसेंटेज। अगर 845 के 845 पीपल कम हो जाते हैं, मतलब मंडे को कोई विजिट ना करता, ठीक है, 845 के 845 पीपल कम हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 100% डिक्रीमेंट हुआ, सारे चले गए, कोई नहीं विजिट आया, ठीक है, 845 के 845 कम हो गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कितने कम हुए हैं? हम कह सकते हैं कि 676 कम हुए हैं। तो कितने परसेंटेज पीपल कम हुए? ठीक है, 845 के 845 पीपल कम हो जाते तो 100% पीपल कम हो गए, डिक्रीज हो गए। लेकिन 676 पीपल कम हुए हैं तो कितना परसेंट कम हुए? सो परसेंटेज ऑफ पीपल
डिक्रीज्ड इक्वल्स टू 676 इंटू 100 अपॉन 845. नाउ 25 आर 100, 5 वन्स आर 5, 5 सिक्स आर 30 एंड 5 नाइन्स आर 45. 9 फोर्स आर सो 169, 4s आर 676. सो 4 टूज आर 8, 80%. कितने लोग कम हो गए? 80% लोग मंडे को कम हो गए या विजिटर्स कम हो गए. ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन 2. लेक्चर पॉज करके आप फटाफट ये लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन 3 देखेंगे. अब क्वेश्चन 3 A shopkeeper buys 80 articles for rupees 2400. 80 articles वो परचेज करते हैं 2400 रुपीज के लिए. ठीक है, and sells them for a profit of 16%. उनको बेच देते हैं कितने? 16% के प्रॉफिट पे. देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. तो सेलिंग प्राइस हमें एक आर्टिकल का ढूंढना है. तो पहले तो जो जो चीजें दी है हम वो लिखते हैं. सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स टू 80. फिर ही बाइज, सो कॉस्ट प्राइस इज 2400 रुपीज. और परसेंटेज प्रॉफिट जो हमें चाहिए या शॉपकीपर को चाहिए, दैट इज 16%. देन व्हाट वी हैव टू फाइंड? सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. तो पहले तो जो हमारे पास प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हम रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, और रुपीज में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस ढूंढ लेते हैं सबकी, यानी कि 80 आर्टिकल्स की, क्योंकि कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास 80 आर्टिकल्स का है. ठीक है, आप चाहो तो 80 से डिवाइड करके कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कंसिडर कर सकते हो. दोनों लॉजिक सेम ही होने वाला है. हाँ, सो वी कैन सी दैट प्रॉफिट इक्वल्स टू 16% ऑफ 2400, दैट इज कॉस्ट प्राइस. सो 16% ऑफ 2400 यानी कि 16 अपॉन 100 इंटू 2400. तो 16 इंटू 24 आपको मल्टीप्लीकेशन करना है. बेटर है कि आप खुद करो. मैं टाइम के लिमिटेशंस की वजह से कल से यूज करूँगा. सो कितना प्रॉफिट हुआ? 384 रुपीज प्रॉफिट हुआ. तो सेलिंग प्राइस अगर हम देखने जाए तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट जितना. तो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 2400 और प्रॉफिट है 384. सो वी कैन से दैट 2784 रुपीज, दिस विल बी द सेलिंग प्राइस of all 80 articles, okay, with 16% profit. क्योंकि 16% profit जितना भी होता था, ठीक है, वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? Cost price में add किया, तब जाके ही हमें selling price मिल सकता है. तो ये आ गया हमारे पास selling price of 80 articles. So selling price of 80 articles is 2784. तो selling price of one article क्या होगा? 2784 डिवाइडेड बाय 80 हो जाएगा. तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2784 अपॉन 8 इंटू 10. अब इसको हम पहले 8 से डिवाइड करेंगे. मैं आपको शो करता हूं डिवीजन भी. 8 से हम पहले डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो 8 थ्री जा 24,
थ्री एंड एट, एट फोर ज़ा 32 एंड एट ज़ा 64, सो ये आ जाएगा 348। इसको 8 से डिवाइड किया तो मिला 348 अपॉन 10 है। अब इसका सीधा हम डेसिमल लगा सकते हैं, 34.8 रुपीस। तो इसी वजह से हमने पहले 8 से डिवाइड कर दिया, 10 का कुछ नहीं किया, वो एज इट इज रखा, समझ में आ रहा है, क्योंकि उसका डेसिमल हम इजीली लगा सकते हैं। सो दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ओके। तो ये लिख लीजिए आप क्वेश्चन थ्री, ओके। फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन फोर के साथ, लिख लो। ओके, नाउ क्वेश्चन फोर। देखो, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500 रुपीज, 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स, उसके रिपेयर के ऊपर इतने 450 रुपीज लगाए गए। इफ इट इज सोल्ड फॉर प्रॉफिट ऑफ 15% एंड फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो हमें सेलिंग प्राइस ढूंढना है। तो देखो, हम यहाँ पे ये 15,500 है उसको मार्क्ड प्राइस रख देते, ठीक है, इसको हमने मार्क प्राइस रखा है, ठीक है, दैट इज 15,500, क्योंकि यहाँ पे साथ में हमारे पास है ओवरहेड एक्सपेंसेस, ठीक है, दैट इज 450 रुपीज कुछ खर्च किए गए हैं इसके रिपेरेशन के ऊपर, तो कॉस्ट प्राइस हमें वहां से मिलने वाला है इस वजह से। ओवरहेड एक्सपेंस दैट इज 450 रुपीज, परसेंटेज प्रॉफिट 15%, ओके, देन फाइंड सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस दैट इज सीपी, तब भी हम प्रॉफिट अप्लाई कर सकते हैं। सो वो क्या होगा, मार्क्ड प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस, यानी कि इसके ऊपर जो भी खर्चा किया जाए उतने में ही हमें पड़ता है, ठीक है। तो ये 15,500 प्लस 450 यानी कि 15,950 रुपीस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब इसके ऊपर परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, 15%, तो प्रॉफिट इन रुपीस क्या होगा, 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी कि 15% ऑफ 15,950, सो दिस विल बी लाइक 15% ऑफ 15,950, तो 15% यानी कि 15 अपॉन 100 इंटू 15,950, 00 विल बी गेट कैंसल, मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगा लेंगे, दैट विल बी बेटर। सो 15 इंटू 1595 मल्टीप्लीकेशन, so that is 23925 upon 10 यानी कि 2392.5 रुपीज, ये जो है वो हमारे पास क्या आया, इसका प्रॉफिट आया, ओके। ये मल्टीप्लाई किया और 10 के हिसाब से डेसिमल, तो हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास, 15,950, उसमें इसका प्रॉफिट 2392.5
ऐड कर दिया जाएगा, तो 0.5, फिर 2, फिर 9 and 5, 14, 9 and 1, 10 and 3, 13, 8 and 1. ओके, सो 18,342.5 रुपीज़ ये जो है वो क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है, जो भी आर्टिकल वार्टिकल है. ओके, तो जब भी कोई ओवरहेड एक्सपेंसेस हो, उसको रिपेयर करना, उसको पेंट करना, उसके ट्रांसपोर्टेशन के खर्च, ये सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, वो मार्क्ड प्राइस में हम ऐड कर देंगे, तब जाके हमारा क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस बनेगा, और उस कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस जो भी है उसके कैलकुलेशंस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन 4. जैसे मैंने आपको कहा था कि हमेशा परसेंटेज प्रॉफिट के कैलकुलेशन सीपी के ऊपर होंगे, तो देखो यहाँ पे 15% प्रॉफिट हमने कॉस्ट प्राइस के ऊपर लगाया, जो भी प्रॉफिट मिला उसको कॉस्ट प्राइस में ऐड किया, ताकि हमें क्या मिले, सेलिंग प्राइस मिले, कितने में बेचा गया. ठीक है, तो लेक्चर पॉज करके क्वेश्चन 4 लिख लो, फिर क्वेश्चन 5. ओके, अब देखो क्वेश्चन 5 में हमें अलग अलग लेवल में कैलकुलेशंस करने हैं. बहुत ही समझने जैसा क्वेश्चन है, और जैसा हमारा क्वेश्चन 5 है वैसा ही हमारा क्वेश्चन 7 है. और जनरली ऐसा होता है कि क्वेश्चन 5 या क्वेश्चन 7 में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान में रखना. तो देखो क्वेश्चन 5, अ वीसीआर एंड टीवी वेर बॉट फॉर रुपीज 8,000 ईच. मतलब वीसीआर भी 8,000 में खरीदा गया, टीवी भी 8,000 में खरीदा गया. 8,000 ईच का मतलब हर एक चीज 8,000 में खरीदी गई. ठीक है, वीसीआर 8,000 में, कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर इज 8,000, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज ऑल्सो 8,000. ठीक है, एक एक स्टेटमेंट समझना. The shopkeeper made a loss of 4% on VCR. VCR पे उनको 4% का loss हो गया. And profit of 8% on the TV. TV के ऊपर उनको 8% profit मिल गया है. ठीक है. Then find the gain or loss percent on whole transaction. तो पूरे transaction में उनको profit होता है कि loss होता है, ये हमें ढूंढना है. ठीक है. तो देखते हैं हम. यहाँ पे total अगर हम कॉस्ट प्राइस देखें तो टीवी और वीसीआर का 8,000 प्लस 8,000 टोटल कितना होता है, 16,000 रुपए में वो दोनों चीज परचेज करता है. अब दोनों चीज जब वो बेचता है तो दोनों के सेलिंग प्राइस को हमें ऐड करना पड़ेगा, और दोनों के सेलिंग प्राइस को ऐड करने के बाद एडिशन अगर 16,000 से ज्यादा आया तो उसको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर एडिशन 16,000 से कम आया तो उसको क्या होगा, लॉस होगा. तो ये चीज हमें दिमाग में रख के आगे कैलकुलेशन करना है. टीवी और वीसीआर दोनों के कैलकुलेशन हम सेपरेटली करेंगे, दोनों के सेलिंग प्राइस ढूंढेंगे और फिर हम उनको ऐड करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास है वीसीआर. ओके, तो वीसीआर का कॉस्ट प्राइस है यहां पे 8,000. ओके, और उसमें उनको होता है परसेंटेज लॉस 4%. 4% का उनको यहाँ पे क्या होता है, लॉस होता है. तो हमें ये लॉस रुपीज में ढूंढना होगा, तब भी जाके हम इसका सेलिंग प्राइस ढूंढ सकते हैं. सो लॉस इज इक्वल्स टू 4% ऑफ 8,000, दैट इज 4/100 इंटू 8,000, सो 320 रुपीज इज द लॉस. तो सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारा, कॉस्ट प्राइस में से हम लॉस को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उतने में बेचा गया होगा. ठीक है, तो ये 8,000 उसमें से 320 चला जाएगा, सो 7,680 रुपीज ये जो है वो उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा वीसीआर का. अब आता है हमारा कैलकुलेशन टीवी, टेलीविजन का.
तो उसमें भी कॉस्ट प्राइस तो हमें कितना दिया है 8,000 रुपीज ही, दोनों 8,000 में परचेस किए गए और इसमें कुछ प्रॉफिट होता है, हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टी। तो यहां वो कितना प्रॉफिट गेन करते हैं, 8% गेन करते हैं। अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा रुपीज में, तो सेलिंग प्राइस मिलेगा, दैट इज 8% ऑफ 8,000। सो 8/100 इंटू 8,000 तो 640 रुपीज उनको यहां पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सो वी कैन से दैट सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के केस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस तो 8,000 रुपए था, उसमें हमने प्रॉफिट ऐड करना है, 8,640 रुपीज ये इनका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस देखेंगे, तब भी हमें पता चलेगा कि ओवरऑल उनको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू, या मैं लिखता हूं ताकि आपको पता चले या रिवीजन में पता चले, सीवी ऑफ सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, दोनों के 8,000 यानी कि 16,000। टोटल एसपी सेलिंग प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर 7,680 है और सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी जो है वो 8,640 है। तो 0, 12, 13 एंड 16,320। तो ऑफकोर्स एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देयरफॉर कौन है, अच्छा कुछ नाम वाम नहीं दिया है हमें, सिर्फ शॉपकीपर हमें दिया हुआ है ना। सो हियर प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट हुआ, और अगर पूछा हो हाउ मच कितना प्रॉफिट, देन वी कैन से दैट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि 16,320 जो टोटल सेलिंग प्राइस है और 16,000 टोटल कॉस्ट प्राइस है, तो 320 रुपीज इतना उनको क्या हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था कि टोटल यानी कि ओवरऑल उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये तब भी पता चल सकता है जब टोटल सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस तो आ ही जाता क्वेश्चन में से 8,000 प्लस 8,000, लेकिन टोटल सेलिंग प्राइस हमें चाहिए था, इसलिए इंडिविजुअल वीसीआर और टीवी दोनों का हमने सेलिंग प्राइस ढूंढा, ठीक है, ऐड किया और आगे बढ़े। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। ओके, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन सिक्स क्या है, ड्यूरिंग अ सेल, सेल मिल रहा है भाई, अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स, जो भी आइटम्स हैं उनके मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल पे 10% डिस्काउंट जो शॉप है वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है।
ठीक है, जो भी आइटम आप परचेज करो मार्क प्राइस के ऊपर 10% डिस्काउंट। देन व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पैर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450। पैर ऑफ जीन्स है 1450 उसका मार्क प्राइस है, एंड टू शर्ट्स मार्क्ड एट 850 ईच, मतलब दो शर्ट वो परचेज कर रहा है ईच हैविंग अ प्राइस 850 रुपीज, मतलब हर एक का 850 रुपीज प्राइस है ऐसे दो शर्ट्स। ठीक है, पैर ऑफ जीन्स का ही प्राइस दिया हुआ है सीधा 1450 और एक शर्ट का 850 दिया है, वैसे दो शर्ट्स वो परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए उनको क्या पे करना पड़ेगा, तो हम पहले तो यहाँ पे क्या करते हैं टोटल सेलिंग प्राइस ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो देखो नहीं मार्क प्राइस बोला है ना यहाँ पे 10% ऑन द मार्क प्राइस, यस। सो पेयर ऑफ जीन्स इज इक्वल्स टू 1450 रुपीस एंड मार्क प्राइस ऑफ वन शर्ट इक्वल्स टू 850 रुपीस। ओके, सो टोटल बिल वी कैन से दैट, तो 1450 पैर ऑफ जीन्स का, 850 एक शर्ट का और एक 850 दूसरे शर्ट का। सो ये कुछ हो जाएगा 1750 रुपीस। ओके, ये हो गया हम कह सकते हैं कि टोटल बिल। अब यहां पे उनको क्या मिलता है 10% डिस्काउंट मिलता है। ओके, या सीधा ही हम कर देंगे परसेंटेज डिस्काउंट इक्वल्स टू 10%। तो डिस्काउंट कैलकुलेट किसके ऊपर होगा, इस बिल के ऊपर होगा। सो डिस्काउंट इन रुपीस इक्वल्स टू 10% ऑफ 3150, दैट इज 10/100 इंटू 3150, 00 कट 315 रुपीज, ये डिस्काउंट है। तो पेएबल अमाउंट जैसे हमने डिस्कस किया था इक्वल्स टू वी कैन सी दैट सेलिंग प्राइस या टोटल बिल माइनस डिस्काउंट, तो वो टोटल बिल उनका है 3150, उसमें से 315 क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, तो 3000 और 150 हो जाएगा, तो 2835 रुपीस बचना चाहिए। फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँ, 2850 में से 2835 रुपीस। ओके, तो इतना कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन 6। ओके, सो आज के सेशन में हम क्वेश्चन 6 तक रखते हैं, 7 to 11 जो हमारे 5 क्वेश्चन बचे आई थिंक सो, हाँ 5 क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट सेशन में कंक्लूड करेंगे। तो ये आप लिख लीजिएगा, दैट विल बी एंड ऑफ द सेशन। अगर आपको लगे कि कुछ समझ में नहीं आया और आप लेक्चर रिपीट करना चाहो तो आप ही के लेक्चर्स है, यू कैन रिपीट द लेक्चर्स। ओके, इन द केस अगर लेक्चर्स रिपीट करके भी ना क्लियर हुआ हो या कन्फ्यूजन हो या डाउट हो तो आप मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हम डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो ये लिख लीजिए, दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।